निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जहाँ बैठे हैं वहाँ ज्ञान रतन चारों तरफ निकले, लोग समझे कि यही हमारा विजयम है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने इनको सुनाया वो आप इनके गुरु आइए आपका गुरु ये मेरा गुरु बन गए तो आप ही चला गए। अभी आप उसको पढ़ाई पढ़ाने पर भी चला गया बाबा ने कहा सब कुछ दुर्योधन के साथ होते हैं तो बहुत है। अच्छा अच्छा ठीक है, दो साल से सुना रहा था फिर तुमको माता गुरु बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाबा की मुरलियाँ सुनी है, वो मुरलियाँ रिवाइज कोर्स की सुनी है या ओरिजिनल सुनी है? रिवाइज कोर्स की सुनी है। तो रिवाइज में तो कुछ अद्दो बदल हो जाता है, कुछ अद्दो बदल हो जाता है। तो हम आपको आज बाबा की जो डायरेक्ट उस समय की वाणी निकली थी क्या, जब बाबा जीवित थे ना उस समय की जो वाणी है क्या 67 की, वो वाणी एक सुनाते हैं। आज है 6 जुलाई 65 की मुरली प्रातः काल, बोला है गीत रात की राती थक मत जाना
सुबह की मंजिल दूर, कौन सी रात की राही है? बार बार अज्ञान बुद्धि को पकड़ लेता है ना, माया पकड़ती है, तो कोई न कोई सुन्नत के खिलाफ भूल हो जाती है। तो रात हुई है ना, सचिव होगा, सवेरा होगा, तब तो कोई भूल होगी नहीं, फिर तो हम अभूल बन जाएंगे। अभूल मन देवता, अभूल मन मनुष्य, तो अभी हम मनुष्य है या देवता है? अभी तो मनुष्य ही है, अब तो कोई कह नहीं सकता कि हम देवता बन गए, तो सभी से भूले हो रही है। तो कहा कि थक मत जाना, क्या हाँ कि अब तो हम देवता बनेंगे ही नहीं, हम तो बहुत मेहनत करके देख ली है। ओम शांति। गीत की दो लाइन बच्चों ने सुनी, गीत शुरू हुआ होगा तब तक बाबा क्लास में आ गए। तो बाबा कहते हैं गीत की दो लाइन बच्चों ने सुनी, क्या दो लाइन? रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल, सती रूपी सवेरा होने में अभी देर नहीं है। कब बोला? सन सन 65 से लेकर अब कौन सा सन हो रहा है? 2003 पूरा होने वाला है, हैं? तो कितने साल हो गए? 38 साल पूरे हो गए। और बाबा क्या बोलते हैं? सुबह की मंजिल दूर नहीं है, पहला है। अच्छा, अब चले वतन की ओर, अर्थात सुख धाम की ओर। क्या भाई, कौन कौन से वतन है जहाँ हमें जाना है? कौन कौन से वतन है जहाँ हमें जाना है? वो कौन से वतन में जाना है? शांति धाम में, शांति धाम से सुख धाम में जाना। तो अब चले वतन की ओर, अर्थात सुख धाम की ओर। अरे बाबा ने बुद्धि को रास्ता दिखाया कि अब याद करो, सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया है। क्या कितनी बड़ी पार्टी है, हैं? अब माताएं कितनी बैठी हैं? हैं? दो, बाकी सब कैंसिल कर दिए, ऐसा दुर्योधन दुशासन, इनसे काम होने वाला नहीं है, ये अपनी वृत्ति छोड़ने वाले नहीं है। जानवर होता है ना, हैं? तो जानवर से कहो तो अभी जानवर से छोड़ दो, तो छोड़ता है नहीं, तो नहीं छोड़ता, मानता ही नहीं है उसको, जब तक डंडा न मिले हाँ। तुलसीदास में जैसे कहते हैं ढोल गंवार सूत्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या जिनकी जब तक पिटाई न हो तब तो मानने वाले है नहीं। तो बाबा ने कहा है सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया है, किस लिए रखा गया? बात समझ में आई? माताओं को किस लिए रखा गया है? सुखधाम की स्थापना के लिए माताओं को ही क्यों रखा गया है? कुछ तो कारण होगा, क्या कारण है? माताओं में पवित्रता के वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं, वो भगवान के ऊपर जब श्रद्धा बैठा लेती है तो पवित्रता के लिए मजबूत हो जाती है। और भाई लोग, भाई लोग जहाँ देखी सवा बारात आ गई, थाली आ गई सामने, तो बस फिर छोड़ दे देंगे। तो बाबा ने कहा ये पुरुषव है दुर्योधन दुशासन, अब हमारी माताओं के ऊपर हमारी श्रद्धा है। किसने कहा? शिव बाबा ने। इनसे तो हमारी अब आस खत्म हो चुकी, किनसे खत्म हो चुकी आस? हाँ भाइयों से। अब मैं ज्ञान का तरफ किसको देता हूँ? माताओं को देता हूँ। सुखधाम की स्थापना तो माताओं को ही रखा गया है, ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग सेरेमनी में स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, ऐसे बाबा ने आकर के ये सेरेमनी कर दी। सुखधाम की स्थापना के लिए क्या सेरेमनी कर दी? कि ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर, लेकिन बाबा ने तो रख दिया माताओं के ऊपर, लेकिन पुरुष क्या करते हैं? तो उल्टा उल्टा बीच में काम करने लग पड़ते, कन्याओं माताओं को भी ज्ञान खुद सुनाना लग पड़ेंगे। क्या क्या करते हैं? और माता जी पीछे हट जाती
तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना अब, क्या बाबा ने तुम्हारे ऊपर श्रद्धा रखी है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी डाली है, तो माताओं कन्याओं को अपनी जिम्मेवारी उठाना चाहिए। कन्याएं कन्याएं माताओं को समझाएं, माताएं कन्या माताओं को समझाएं, भाई लोग भले किसको पुरुषों को समझाएं। तो माताओं को भी रखा है ज्ञान अमृत कलश माताओं पर रखा है। तो परमपिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं से, वैकुंठ की ओपनिंग माताओं से कराते हैं, कलश माताओं पर रखते हैं। काहे का कलश? ज्ञान का कलश माताओं पर रखते हैं। भाइयों को सारी दुनिया को ज्ञान सुनाने की अथॉरिटी नहीं दी है, खास करके कन्या माताओं को ये ज्ञान इनको नहीं सुनाना है। किसको सुनाना है? किसको सुनाना है ज्ञान? कन्या माताओं को सुनाना है। क्यों? ज्ञान सुनाने का अधिकार उन्हीं को है जो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने वाला हो। ज्ञान किसी के अंदर बहुत है, समझा हुआ भी है, दूसरों को समझा भी सकता है, लेकिन खुद के जीवन में अगर आचरण नहीं कर सकता तो उसे ज्ञान सुनाने का हक नहीं, दूसरों का गुरु बनने का हक नहीं है। तो बच्चों पर बाप ने रिस्पॉन्स, हाँ कलश माताओं पर रखते हैं। तो अब बच्चों को खड़ा होना है। क्या कहा? बच्चों को खड़ा होना है। इसका मतलब माताएं हाँ अपने को आबला समझे बैठी है, हैं कि हमारे में तो इतनी ताकत नहीं है। वो गुरुओं का आधार ले लेती है कि गुरु जी हमको कुछ पढ़ाई पढ़ाते रहे, तेरे सज्जनों के संस्कार पढ़े। तो बाबा बोलते हैं कि अब खड़े हो जाओ। क्या? माताएं ज्ञान सुनाने के लिए खड़े हो जाए। क्या? हाँ अब जब तक पुरुषार्थ में खड़े नहीं होंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। शक्ति दल है ना? क्या? शक्ति दल है, शिव शक्तियाँ हैं। किसकी बन गई? कम से कम मन बुद्धि से तो शिव बाबा की बन चुकी। अब जो पुरुष वर्ग है वो अपनी जबरदस्ती करते हैं माताओं कन्याओं के ऊपर। मान लो कोई ज्ञान में चलने वाली माता है, ज्ञान में चल रही है, बच्चा भी ज्ञान में चल रहा हो न चल रहा हो, लेकिन वो अपनी चलाता है, माता के ऊपर अपनी अथॉरिटी झाड़ता है, है? माता बच्चा और उसकी बहू है, वो भी ज्ञान में चल रही है, तो क्या करेगा? वो दोनों के ऊपर अथॉरिटी झाड़ेगा। ये आदत होती है पुरुषों की। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? अभी शक्ति दल को शिव की शक्ति अपने को समझना है और अथॉरिटी में रहना है। शक्ति दल है, याद दिलाई, तुम किसकी शक्तियाँ हो? शिव बाबा की शक्तियाँ हो ना। बच्चों पर बाप रिस्पांसिबिलिटी रखते हैं। क्या? हाँ बच्चियों क्यों नहीं कहा है? बच्चों पर रिस्पांसिबिलिटी रखते हैं, ऐसे क्यों कहा है? बच्चों को खड़ा होना है, ऐसे क्यों कहा? बच्चियों को खड़ा होना है, ऐसे क्यों नहीं कहा? माताओं कन्याओं के लिए बात कर रहे हैं तो बच्चों क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो अभी रुद्रमाला पहले तैयार होती है, रुद्रमाला माने राजाओं की माला। क्या? बाबा तो पहले राजा बनाने आया ना, तो जो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो इस समय एडवांस नॉलेज ले रही है, और जो एडवांस नॉलेज ले रही है उनमें भी जिम्मेवारी किसके ऊपर रखी है? कन्या माता ऊपर। भले कन्या माताएं है इस शरीर से, लेकिन क्योंकि एडवांस ज्ञान ले रही है, इसका मतलब पूर्व जन्म में उन्होंने ज्यादा जन्म जो है पुरुषों के लिए, वो पुरुष वृत्ति अंदर है थोड़ी जरूर, इसलिए बाबा उम्मीद रखते हैं। इसलिए बोला है बच्चों, बच्चियों नहीं बोला बाबा। चाहे स्त्री चोले वाली है कन्या माताएं, स्त्री चोले में है इस जन्म में, इस जन्म में स्त्री चोले होने के कारण अपने को भले अबला समझती हो, तो उन्हें याद दिलाया कि तुम शक्ति दल हो और तुम बच्चिया नहीं हो। क्या हो? है तुम बाबा का बच्चा हो। क्या? तुम भी वर्षा लेने लायक हो, तुम भी राजा बन सकते हो।
कलश माताओं पर रखते हैं, बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। काई की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनो, दूसरों को पवित्र बनाओ, योगी बनो, दूसरों को योगी बनाओ। भोगी जीवन से योगी जीवन में सबको खींचना। ऐसे नहीं कि उन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, रख दी है। क्या बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नरक को स्वर्ग बनाने की, पतितों को पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रखी है? जिम्मेवारी किसके ऊपर रखी है? कन्या माताओं के ऊपर रखी है, गुरुओं के ऊपर नहीं रखी है। कौन से गुरु? माता। वो गुरु जो अपना घर घर छोड़ करके संन्यास आश्रम बैठ जाते हैं, जो संन्यास आश्रम बना करके बैठ जाते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं और दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने लगते हैं, उन गुरुओं को जिम्मेवारी नहीं दी है स्वर्ग स्थापना की। किसकी किसको जिम्मेवारी दी है? कन्या माताओं को जिम्मेवारी दी है। गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी है कि तुम सबको सदगति दो। क्या वो किसी को सदगति नहीं दे सकते? अभी तुम जान गए हो सदगति दाता यह है, तो माताओं का काम है। क्या सदगति देना माताओं का काम है, कोई पुरुषों का भी काम नहीं। और फिर खास करके जो सन्यासी बन करके बैठे हैं, दूसरों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उनका भी काम नहीं है। सदगति होती है क्या? सदगति काहे की होती है? शास्त्रों में भी भक्ति मार्ग में भी क्या बोला है? कहते हैं रटे ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ज्ञान से ही गति सदगति होती है। ज्ञान का कलश तुमको मिला, सदगति तो होती है ज्ञान से, लेकिन ज्ञान का जो कलश है, कलश में ज्ञान भरा हुआ है ना, बुद्धि रूपी कलश में, वो ऐसी बुद्धि माताओं को ही दी है, तो वो ऐसा ज्ञान दे करके और आत्माओं को स्वर्ग की ओर चलने लायक बनाए। पहले पहले दिखाते हैं कलश रखा है जगदम्बा पर। क्या माताओं को जिम्मेवारी तो दी है, लेकिन प्रैक्टिकल में ज्ञान कलश पहले किसी ने तो उठाया होगा। वो किसने उठाया? माना बाप जो है जब आते हैं इस सृष्टि पर, तो ज्ञान का कलश जब देते हैं तो कोई न कोई माता आगे निकलती है। क्या माता बनती है? क्या बनती है? माता बनती, कन्या से क्या बनती है? माता बनती है और उसके ऊपर कलश दिया जाता है। तो कन्या लेकिन वो बाप की बन जाती है, इसलिए माता बन जाती है और पहले पहले नंबर में बनती है बाप की। कौन? कोई कन्या, कोई कन्या पहले नंबर में बाप की बनती है, तो पहले नंबर में हिम्मत करने के कारण उसको कलश दिया जाता। ज्ञान का कलश तुमको मिला है। क्या सदगति ज्ञान से तो होती है, लेकिन ज्ञान का कलश तुमको मिला। और पहले पहले दिखाते हैं कलश रखा है जगदम्बा पर, माना बाबा की नजर में उस समय बोलते समय नजर किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? जगदम्बा के ऊपर। भले जगदम्बा उस समय ज्ञान में नहीं आई हो साकार शरीर से, तो भी बाबा की आंख तो वो तो त्रिकाल दर्शी है, तो भी बाबा उस आत्मा को देख रहा है कि तुम्हारे ऊपर, माने हिमाच करके बाबा बोलते हैं उस बच्ची को, इस बच्चे को बाबा ने हिमाच कर लिया अपनी आंखों के सामने सन्मुख, और उनको बताया तुम्हारे ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले पहले कलश किसके ऊपर रखा? जगदम्बा के ऊपर। तो कहां की बात बताई? कलापूर्व की बात तो बताई कि पहले पहले जगदम्बा के ऊपर कलश रखा है, जिसका शास्त्रों में गायन है। शास्त्रों में तो गायन जगदम्बा के ऊपर कलश रखा है ये नहीं दिखाया गया है ना। तो बाबा बता रहे हैं कि पहले पहले कलश किसके ऊपर रखा है? जगदम्बा पर कलश रखा है। माने भविष्य के लिए इशारा दे दिया कि जब असली ज्ञान निकलेगा तो पहले पहले उसका बदन किसके ऊपर रखा जाता है जिम्मेवारी? जगदम्बा। शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम लिख दिया है, भगत लोगों ने किसका नाम लिख दिया? लक्ष्मी का नाम क्यों रख दिया? जब प्रैक्टिकल बात है तो ये है कि जगदम्बा के ऊपर शिव बाबा ने ज्ञान का तंत्र रखा। क्यों? जगदम्बा पहले सरेंडर हुई है, पहले सरेंडर हुई, बाप की बनी है, बोला है ना। क्या बोला?
तिरासी में 13 होना चाहिए ना। तो जब कोई 83 में कोई कन्या सरेंडर होकर के जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला बाप इस सृष्टि पर अपना कार्य कर रहा है उसकी बलि होगी, तो जो पहले पहले बलि उसकी ऊपर बाबा ने कलश रख दिया। ये नहीं देखा कि ये कितना कमजोर है, ये कितना कुछ भी नहीं जानने वाला है, इसकी बुद्धि में बेसिक नॉलेज भी पूरी नहीं बैठी है, बहुत कम उम्र का, ये सब नहीं देखा। क्या देखा? जिसने हिम्मत की उसको मदद मिली। शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम लिख दिया। फिर लक्ष्मी का नाम क्यों लिख दिया शास्त्रों? हाँ, जगदम्बा ने कलश धारण करने की तो हिम्मत दिखाई, लेकिन कलश धारण करके फिर आत्माओं को बांटने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। क्या जो काम जो बाबा अभी बता रहे हैं माताओं को क्या करना है? माताओं को इतनी हिम्मत करनी है कि पुरुषों को अपने सामने नहीं बोलने देना। क्या माताओं ज्यादातर आदत होती है प्रभाव में आ जाती है, तो माताएं कन्याएं किसी पुरुष के प्रभाव में, किसी दुर्योधन दुशासन के प्रभाव में ना आए। क्या करें? खुद से जिम्मेवारी लें कि ज्ञान का कलश हमको मिला है, हम इसको बांटेंगे। तो शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम दे दिया है, वो इसलिए दे दिया है। किसने दे दिया है लक्ष्मी का नाम शास्त्रों में? भगत को। क्यों दे दिया है? भगत ने झूठी बात क्यों लिख दी? भक्तों ने इसलिए लिख दी कि उनको प्राप्ति किससे हुई? लक्ष्मी को प्राप्ति हुई। तो जिससे प्राप्ति हुई उसके गान गाते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि उस ज्ञान कलश को वजन किसने उठाया। क्या लक्ष्मी की भुजाएं होती है ना, भुजा माने मददगार। तो ऐसी भुजा कौन सी थी जिसने उस ज्ञान कलश का सारा वजन उठाया है? ज्यादा जोर कौन से हाथ पर पड़ता है? बांटने वाले हाथ के ऊपर पड़ता है, जो कलश हाथ उठाता है उसके ऊपर पड़ता है। जो कलश हाथ उठाएगा ना तो उसके ऊपर वजन पड़ता है, सारा वजन तो उसी के ऊपर पड़ता है। तो ज्यादा वजन जिसके ऊपर पड़ता है वो थकेगा, या जो बांटेगा वो हाथ थकेगा? जो वजन उठाने वाला वो हाथ थकेगा ना। तो इस समय प्रैक्टिकल में यही स्थिति है। क्या स्थिति है प्रैक्टिकल में? जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली होगी तो उसके ऊपर वजन प्रेशर ज्यादा। किसका प्रेशर पड़ रहा है? कोई है दुर्योधन दुशासन भाई लोग, क्या कोई भाई ऐसे हैं जो दुर्योधन दुशासन बनके उसकी बुद्धि को परमात्मा से विपरीत किए बैठे? क्या कहते हैं ना, सीता अभी कहाँ है? सीता राम के कब्जे में है, रावण के कब्जे में? रावण के। सीता अभी भी रावण के कब्जे में। तो सीताएं जब रावण के कब्जे में, तब तुम सब सीताएं हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब नंबर वार सीताएं हो, तो नंबर वार रावण के, जो अब्बल नंबर सीता है वो भी अब्बल नंबर जो रावण है उनके कब्जे में है, बंधन में। तो शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम दे दिया है। दिया किसने? भक्तों ने। भक्तों ने क्यों दिया? क्यों उनको लक्ष्मी से डायरेक्ट प्राप्ति हुई है, और उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है कि वास्तव में वजन किसने उठाया उस ज्ञान कलश का। तो ये फर्क पड़ गया है शास्त्रों में, इस बात का फर्क पड़ गया है कि ज्ञान तो सारा वजन उठाया जगदम्बा ने, और नाम लिख दिया है लक्ष्मी का। ठीक है, वो शंकर और शिव को भी मिला दिया। क्या कहा? शंकर और शिव को भी मिला दिया। ये क्या बात? ये नई बात क्यों शुरू कर दी है? अभी तो बात जगदम्बा की और लक्ष्मी की कर रही थी, ये प्रसंगांतर कैसे हो गया? क्या प्रसंगांतर हो गया है? नहीं हो गया। लक्ष्मी और महालक्ष्मी दो नाम है। क्या कहते हैं? लक्ष्मी और महालक्ष्मी। तो लक्ष्मी का भी संपूर्ण रूप तब बनता है जब जगदम्बा और जो लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली है, हैं, जो नई ब्राह्मणों की दुनिया की पालना करने का पार्ट बजाती है, वो दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाए। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो काम
संपन्न हो जाता है महालक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों मिलकर के एक हो जाती है। माने जगदम्बा जो कलश उठाने वाली है, जिसको परमात्मा बाप से कलश मिला है और जो बांटने का हिम्मत करती है लक्ष्मी, वो दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाने के कारण महालक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। क्या? किसका रूप धारण कर लेती है? महालक्ष्मी। तो जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों को मिला करके महालक्ष्मी बनती है। तो दोनों को मिला दिया ना, है? तो महालक्ष्मी कहो वैष्णो देवी कहो, उनको चार भुजाएं दिखाई जाती है कंबाइंड रूप। तो यही बताया कि शंकर और शिव को भी मिला दिया। भी क्यों लगा दिया? भी इस बात के लिए लगा दिया कि जैसे शिव और शंकर को मिला दिया, वैसे ही लक्ष्मी और जगदम्बा का रूप मिला करके महालक्ष्मी का रूप भक्ति मार्ग में बना दिया है, चित्र दिखा दिया। माने बाबा की वाणी में कहीं प्रसंगाक्षर नहीं होता है, अगर होता है तो हम बच्चों की बुद्धि की कमी के कारण हम उसको बात को समझते नहीं, इसलिए कहते बाबा कभी खेत की बात करता है, कभी खलिहान की बात करता है। अरे बाबा तो सबसे बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो प्रसंगाक्षर क्यों करेगा? तो बोला कि शंकर और शिव को भी मिला दिया है। अब तुम जानते हो स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए बाप ने कलश रखा है, क्या अभी तुमने इस बात को समझा है कि शिव बाप आकर के शंकर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उनके द्वारा प्रैक्टिकल में जगदम्बा के ऊपर कलश रखते हैं, है? जगदम्बा के ऊपर जब कलश रखते हैं तो स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए बाप कलश रखते हैं। किस लिए रखते हैं? जगदम्बा के ऊपर ये जिम्मेवारी रखी है कि तुम स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनो। कार्य की महिमा है, क्या कहा है? निमित्त तो बनो जगदम्बा, लेकिन जगदम्बा जगत की अंबाई बन करके रहेगी तो काम संपन्न होने वाला नहीं है। जो आसुर हैं, जो असुर है उन असुरों का असुर संधारणी बनकर के जब तक रूप धारण नहीं करेगी तब तक क्या नहीं होगा? स्वर्ग का गेट खुलने वाला नहीं है। इसलिए जगदम्बा को फिर उन असुरों के प्रति जो कन्याओं के माताओं के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं, उनको झूठी बातें सुना करके सीताओं का हरण कर लेते हैं। रावण ने कैसे हरण किया था? सीता का हरण कैसे किया था? झूठी बात सुना दी और अपना रूप कैसा धारण कर लिया? साधु का रूप धारण कर लिया। तो ऐसे जो है दुष्ट पुरुष वो सीता को बरगलाते हैं। सीता में जगदम्बा भी आ जाती है, हाँ वो भी तो सीता ही रूप है ना, सीता रूप धारण कर ले तो सीता। तो बताया ये बाप ने कलश तो रखा है जगदम्बा के ऊपर, लेकिन जगदम्बा जब तक महाकाली का रूप धारण नहीं करेगी उन बरगलाने वाले रावणों के प्रति, तब तक उसकी महिमा होने वाली नहीं है। काली की महिमा है ना, माना बाबा ये समझा रहे हैं जगदम्बा को कि महाकाली का रूप तुमको धारण करना पड़े। किसके प्रति? ऐसे दुर्योधन दुशासनों के प्रति जो अपने को जगदम्बा के सामने परमात्मा से भी श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। क्या? श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। तो काली की महिमा है ना, चित्र को अनेक बना दिए। क्या सिर्फ ऐसे नहीं कि देवियों के दो ही तीन प्रकार के चित्र बना दिए, लक्ष्मी का, जगदम्बा का, महाकाली का, कितने तरह के चित्र बना दिए? नौ तरह की देवियां दिखा दिए। देवियों के रूप कितने दिखा दिए? नौ प्रकार के रूप दिखा दिए, अनेक चित्र बना दिए। तो चित्र किस बात की याद कर? जरूर देवियों ने वो उस प्रकार के चरित्र बजाए होंगे। कोई ने महाकाली का रूप धारण कर लिया है, कोई स्पेशल रूप से लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। तो अब माताओं पर कल्प रखा जाता है, क्या कहा? उन माताओं को वो स्पेशल रूप में पार्ट बजाने के लिए अब ज्ञान कलश उनके ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिंस माताओं की बिल्कुल बुरी गति है।
क्या कहा? क्योंकि इस समय माने किस समय? जब परमात्मा बाप आते हैं उस समय डुप्लीकेट भगवान बनकर के बहुत दिखाना चाहते हैं। ऐसे डुप्लीकेट बनकर के जो साधु का रूप धारण कर लेते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, सर्वे सर्वा हैं इस दुनिया में, तुम हमको फॉलो करो, ऐसे करने वाले जो है वो माताओं की दुर्गति करते हैं। क्या एक तरफ उल्टा ज्ञान सुनाते हैं और दूसरी तरफ उनकी दुर्गति करते हैं। तो हमने तो माताओं की बिल्कुल बुरी गति हो गई है। जगदम्बा को ये बात बाप समझा रहे हैं कि इस समय तुम्हारी जो हमजंस माताएं, हमजंस माना जैसे तुम्हारा माता का रूप है, ऐसे ही और भी दूसरी जो शक्तियां हैं उनकी उनकी दुर्गति हो रही है। तो उन दुर्गति पाने वाली माताओं की तुम क्या करो, सदगति करने के लिए जिम्मा उठाओ, जिम्मेवारी उठाओ। सन्यासी लोग तो तुम्हारी हमजिंस को विधवा बना देते, क्या जो अपना घर बार छोड़ करके मेहरबानी अटारियां बनाते हैं। बाबा ने तो मेहरबानी अटारियां बनाने के लिए मना कर दिया, लेकिन सन्यासी क्या करते हैं? सन्यासी तो बाबा ने मना कर दिया, और जाना बना हमें तो भगवान बन के बैठना है, और उसके लिए हमें मेहरबानी अटारियां जरूर बनानी। तो सन्यासी लोग तो तुम्हारी हमजिंस को विधवा बना देते हैं। विधवा कैसे बनाते हैं? अपनी पत्नी को बाल बच्चों को छोड़ देते हैं। तुम फिर जाकर उनकी चेली बनती हो क्या? अपनी पत्नी बाल बच्चों का जो ध्यान नहीं रखते हैं, वो उनको जैसे विधवा बना देते हैं, तुम उनकी जाके चेली बनती हो, उन्हीं से जाके ज्ञान उठाती हो, उन्हीं की सेवा करती हो। बोला बाप कहते हैं तुमको तो लज्जा आनी चाहिए। क्या लज्जा आनी चाहिए? तुम ज्ञान मिला है, तुम्हें बनना चाहिए एक बाप का, और बाप के बनने की बजाय तुम पराए घर में जा करके उनके आश्रमों में बैठ करके उनकी सेवा कर रही हो। तो कहा तुमको लज्जा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए लज्जा? कि जो माताओं को विधवा बना देते हैं उन्हीं की हमको पूजा नहीं करनी चाहिए, और हम कर रहे हैं, तो इस बात में लज्जा आनी चाहिए। तुम सब शिव शक्ति कहलाती हो, दुनिया के सामने तुम कहलाती क्या हो? तू क्या कहलाती हो? हम तो शिव बाबा की शक्ति है, और शिव बाबा की शक्ति है तो शिव बाबा के नजदीक होना चाहिए, शिव बाबा के नजदीक भी होना चाहिए, और सेवा किसकी करनी चाहिए? शिव बाबा की ही प्रैक्टिकल में सेवा करनी चाहिए। लेकिन तुम किसके इशारे पर चलती हो? जो विधवा बनाने वाले गुरु लोग हैं उनके इशारे पर चलती हो। लज्जा आनी चाहिए, तुम शिव शक्ति कहलाती हो, कहलाती क्या हो? कि हम शिव बाबा की प्रैक्टिकल में शक्ति हैं। क्या जैसे कोई भी पुरुष होता है उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अपनी घरवाली से। घरवाली अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, घरवाली अगर बुरी हो तो घर नरक बन जाए। तो बाबा ने कहा तुम किसकी शक्ति हो? तुम शिव की शक्ति हो। तुम अगर शिव की शक्ति हो तो क्या होना चाहिए हैं? बुद्धि में ये बात तुम्हारी बैठनी चाहिए कि हमको स्वर्ग का गेट खोलना है। तुम हो गुप्त सेना। क्या गुप्त सेना? हाँ, तुमको कोई जानता नहीं है। तुमको अगर जान ले कि ये क्या है तो तुम्हारे पीछे दुर्योधन दुशासन पड़ेंगे ही नहीं। तुम खुद ही अपने स्वरूप को भूली हुई हो, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ते हैं। तो बोला तुम हो गुप्त सेना, तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। क्या कहा? ऐसी वाणी पहले बाबा ने कभी नहीं चलाई है। अर्थ कहे आप ही बात खोल खोल के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? के जगदम्बा और जगदम्बा की भुजाओ, तुम्हारी बुद्धि में क्या उठना चाहिए? उमंग उठनी चाहिए। किस बात की उमंग उठनी चाहिए? कि हम दुर्योधन दुशासनों को, इन रावण संप्रदायों को हम ठिकाने लगा दूंगी। कैसे लगा दूंगी? प्रैक्टिकल में शिव की शक्ति। वो सन्यासी पुरुष तो स्वर्ग की स्थापना कर नहीं सकते। क्या उमंग किस लिए उठना चाहिए बुद्धि में? सन्यासी कि ये सन्यासी जो पुरुष हैं ये
क्या नहीं कर सकते, ये स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। बाबा ने जो कुछ बोल दिया है वो तुम्हारी बुद्धि में ये बैठना चाहिए, तुम्हारी उनके ऊपर श्रद्धा बैठी हुई है। किनके ऊपर? और पुरुष गुरुओं के प्रति कि ये तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तुमको बेवकूफ बनाया हुआ है। तो बोला तो स्वर्ग की स्थापना ये नहीं कर सकते, ये तो तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो और क्या करेंगे, ये तो और इंद्रा से स्थापन करेंगे। इसलिए मुरली ने इशारा दे दिया, रावण को जरूर कहेंगे ये गुरु लोग क्या जो कन्याओं माताओं के गुरु बन के बैठते हैं, ये है ये रावण के ऊपर, चाहे बाहर की दुनिया में, चाहे देसी बना लेंगे और चाहे एडवांस बना लेंगे, तू चाहते हो अपना सुराज क्या है? तुम बच्चियां क्या चाहती हो? तुम ये चाहती हो कि हमारा स्वराज हो क्या, हमारा शासन चले क्या? सिखों में भी क्या कहते हैं, सिखों में भी कहते हैं राज करेगा खालसा क्या, जब विनाश होगा तो उस दुनिया में कौन राज करेगा? खालिद, खालिद माने पवित्र, जो पवित्र आत्माएं होंगी वो राज करेंगी। अभी राज्य किसके हाथ में? अभी सिखों में भी राज्य तो सारा पुरुषों के हाथ में, तो खालिद को है नहीं, पवित्र तो है नहीं, लेकिन नाइन चला आ रहा है तो जरूर ये बात संपन्न होनी है। अब टाइम आ गया, क्या टाइम आ गया, क्या टाइम आ गया कि शक्तियों के हाथ में वो ताकत बुद्धि में बैठ जानी चाहिए, उनको उत्साह आनी चाहिए कि वो अपना राज्य अपने हाथ में ले लें और सारी दुनिया का शासन खुद खुद चलाए। जो बाबा ने पहले भी बता दिया, बोलिए क्या बताया, ये बाबा भर चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक ब्राह्मण परिवार की पालना करेगी। क्या बोला? मम्मा अंत तक ब्राह्मण परिवार की पालना करेगी, लेकिन अभी की स्थिति क्या है, अभी की स्थिति क्या है कि तुम्हारी हमजंस की इन गुरुओं ने बुरी गति कर दी है। क्या? तुम्हारी तो उतनी बुरी गति नहीं है, लेकिन तुम्हारी और जो हमजंस हैं उनकी तो बहुत बुरी गति कर रखी है। तुम अपना अगर राज्य चाहती हो तो अपने को समझो, क्या समझो कि वंदे मातरम गाया हुआ है, क्या समझो? तो ऐसे ही थोड़ी वंदना हो जाती है माताओं की, कोई माताओं की वंदना ऐसे ही हो जाए, कोई अच्छा काम करेगी तभी तो कोई वंदना करेगा है? तो तुम पहले अपने स्वरूप को समझो, वंदे मातरम गाया हुआ है, इतना गायन है भारत माता की जय, भारत खंड का नाम माता नहीं गाया जाता, वो तो क्या समझते हैं जब बोलते हैं भारत माता की जय तो वो जमीन को समझ लेते हैं कि जमीन का दुनिया में ये जो खंड है ना हिमालय पहाड़ के नीचे वाला वो भारत माता है, लेकिन जमीन माता नहीं कही जाती, माता माना माता माना कोई कन्या माता है, कोई कन्या माता है जिसके वो जिसने ऐसा कार्य किया है और सारे जगत की जननी माता बनी है, तो भारत खंड का नाम माता नहीं है, कहते हैं भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। क्या? भारत खंड जमीन की जय नहीं, लेकिन उस भारत खंड में ऐसा श्रेष्ठ कार्य स्वर्ग की गोर गेट खोलने का जिन्होंने काम किया है उन माताओं की जय करने की बात है। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती है, सिर्फ भारत को ही स्वर्ग नहीं बनाती है, जगत माता है, जग जननी है, तो सारे विश्व को स्वर्ग बनाएगी या सिर्फ भारत को स्वर्ग बनाएगी? खास भारत को स्वर्ग बनाएगी और सारी दुनिया को भी स्वर्ग बनाती है, सिर्फ माताओं की जय। क्या कहा? सिर्फ माताओं की जय। इस मामले में प्योरिटी के मामले में भाताओं भाई लोगों से आशा बाबा की नहीं है, तो वो अपने भूल कर सिर्फ कह देते हैं भारत माता की जय। जो असली अर्थ है कि ये भारत माता ये जय किसकी होनी है, विजय किसकी होती है, हार किसकी होती है, ये चैतन्य मनुष्य की होती है या जड़ जमीन की होती है, किसकी हार जीत होती है? चैतन्य कन्या माता है, उनकी जय की बात है।
बाप तो माताओं का नाम पाला करते हैं। क्या बाप किस लिए आए? पुत्रे सब जन्म से तो पुरुष आगे हो गए, जितने भी आए धर्म पिताए तो उन्होंने आकर के पढ़ाई पढ़ाई, तो वो पुरुष चोले में थे या स्त्री चोले में थे? पुरुष चोले में आकर उन्होंने पढ़ाई पढ़ा दी, हिंदू धर्म को देवी देवता सनातन धर्म वालों को सबको कन्वर्ट कर करके अपने धर्म में खींच लिया, फिर तो सारे पुरुष हुए। और पुरुष को बाबा ने दुर्योधन दुशासन बनाया, वो तो अच्छे रास्ते में ले नहीं जा सकते। तो दुनिया में दुनिया में आकर के उन धर्म पिताओं ने भी उन महात्माओं ने भी नीचे गिराया है। अब बाबा तुम्हारा नाम बाला करने के लिए आए, अब पुरुषों का नाम बाला करने के लिए नहीं आए हैं, तुम कन्या माताओं का नाम बाला कर रहे हैं। स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी तुम्हारे द्वारा कराते, खुद नहीं करते, क्योंकि बाबा जानते हैं मैं भी तो पुरुषतन में आकर के पतितों को पावन बनाने का काम पुरुषतन में आकर के कर रहा हूँ। तो बताया कि स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी तुम माताओं के द्वारा कराते हैं। क्या जिस तरह में मैंने प्रवेश किया उसके द्वारा भी स्वर्ग की सेरेमनी नहीं कराता हूँ? ये भी उस युग की नहीं है। क्यों नहीं है, है? क्यों नहीं उस युग की? क्योंकि इसका भी चोर चोला पुरुष का है। अगर इसके द्वारा कराना होता तो ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा ही करा देता, लेकिन बाबा ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा स्वर्ग का गेट नहीं खुलवा सकता था। क्यों नहीं खुलवा सकता था? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा का तन भी पुरुष तन था। पुरुष जितने भी होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन वृत्ति के होते हैं, वो अपनी वृत्ति को त्याग इस दुनिया में त्याग नहीं सकते। क्या इसलिए मैं तो माताओं को निमित्त बनाया है, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी तुमसे कराते हैं। वह कहते हैं नारी नरक का द्वार खोलती है। कौन वह कहते हैं? वह साधु सन्यासी क्या कहते हैं जिन माताओं कन्याओं को घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी बेइज्जती कर देते हैं छोड़ छाड़ के, तो कहते हैं कि ये नारी नरक का द्वार खुलती। अरे तुम छोड़ के भाग रहे, अपनी एकाग्रता की बात नहीं करते थे कि हम इसके साथ रहकर पवित्र नहीं बन सकते हैं? तुम छोड़ छाड़ के भागते हो तो तुम्हारी बुद्धि में ये बात आती ही नहीं, तो उनके ऊपर सोच सकते हो ये नारी नरक का द्वार है? तुम कहती हो हम स्वर्ग का द्वार खोलती है। क्या तुम क्या कहती हो? स्वर्ग का द्वार बाबा ने कल हमारे ऊपर रखा है, स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते। उनमें है पूरा अज्ञान, किनमें? उन पुरुषों में जो तुम कन्या माताओं के गुरु बन करके बैठे हैं, उनमें है पूरा अज्ञान। क्या पूरा अज्ञान? पूरा ज्ञान क्यों कहा? पूरा ज्ञान क्यों कहा? पूरा ज्ञान इसलिए कि तुम स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो और तुम ही वो कंट्रोल करते हैं। तुमको तो माता गुरु बनाना चाहिए ना, हैं? तो उनमें है पूरा ज्ञान और तुम्हारे में है पूरा ज्ञान। पूरा क्यों कहा? रावण ज्ञानी तो बहुत था, हैं? प्रकांड विद्वान था, लेकिन प्रैक्टिकल में उसके कर्म उल्टे थे। इसलिए कहा अगर किसी में ज्ञान बहुत हो, समझता भी हो, दूसरों को समझाता भी हो, सुनता भी बहुत हो, सुनाता भी बहुत हो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल जीवन में वो खरा उतरता नहीं है तो अज्ञानी हुआ या ज्ञानी हुआ? वो है पूरा अज्ञानी। क्या बूढ़ी वाली कन्या माता है ज्ञान उतना नहीं समझती है? क्या नहीं समझती है, दूसरों को नहीं सुना सकती है, लेकिन फिर प्रैक्टिकल जीवन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बुद्धि में बैठा है वो धारण कर एक शिव बाबा, एक शिव बाबा, बुद्धि शिव बाबा लगी हुई है, कुछ सुना भी नहीं सकती दूसरों को। तो बाबा ने कहा पूरा ज्ञानी कौन है और पूरा अज्ञानी कौन है? है अगर प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान की धारणा नहीं है तो है पूरा अज्ञानी। तुम्हारे में पूरा ज्ञान है, तुम कहते हो शिव बाबा हम माताओं द्वारा स्वर्ग को विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, तुम्हारे अंदर ये भावना पक्की बैठ जाती है कि शिव बाबा हम माताओं के द्वारा सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। वो सर्वव्यापी के ज्ञान से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। क्या खुद ही बुद्धि में बैठ लेकर के बैठ जाते हैं कि शिव बाबा हमारे में भी प्रवेश करता है, और शिव बाबा है तो सर्वव्यापी होकर सृष्टि पर आता है, एक व्यापी होकर के आता है,
है, एक ही मत पर चलना चाहिए या अनेकों की मत पर चलना चाहिए? एक ही मत पर चलना चाहिए, तो उस कन्या माता को फिर अपने अंदर क्यों रखेगा कोई? जिसकी बुद्धि में बैठा बैठा होगा कि परमात्मा एक है और एक के द्वारा ही सारे विश्व को श्रीमत दे करके स्वर्ग नरक से स्वर्ग बना रहा है, तो कन्या माताओं को अपने कंट्रोल में चलाएगा या बाबा भी कंट्रोल में छोड़ देगा? बाबा भी कंट्रोल में छोड़ देगा। तो कहा ये सारे विश्व में कौन सा ज्ञान फैलाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी, माने मेरे में भी आता है, हम भी इन कन्याओं माताओं को पढ़ाई पढ़ने पढ़ाने के योग्य हैं, तो हमारी बात मानो, और दुनिया में कोई भगवान नहीं हमारे सिवाय, और किसी के साथ मत मानो, ये सब उल्टा उल्टा उल्टी पढ़ाई पढ़ाने वाले, माने भगवान को शैतान साबित करते हैं और शैतान को भगवान साबित करते हैं। ज्ञान से सारे विश्व को नरक बनाते हैं। कौन से ज्ञान से? कौन से ज्ञान से सारे विश्व को नरक बनाते हैं? सर्वव्यापी है, माने मेरे में आता है, तेरे में आता है, सब भगवान के रूप में। इन भीषण के कारण आज तो तुमने ज्ञान बाण मारे, क्या कहा है? भीषण पितामह है कौन? ऐसे गुरु लोग जिन्होंने शादी नहीं किए थे क्या, लेकिन कन्या माताओं को अपने कंट्रोल में चलाया है, हैं तो कुमार, लेकिन कुमार होते हुए भी कन्या माताओं को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, अपने कंट्रोल में रखा है। इन भीषण पितामह आदि को तुमने ज्ञान बाण मारे, क्यों? क्योंकि ये भीषण पितामह कभी भी भगवान का पक्ष नहीं लेते। किसका पक्ष लेते हैं? पांडवों का पक्ष नहीं लेते, पांडवों को सहयोगी नहीं बनते। किसका पक्ष लेते हैं? कौरवों का पक्ष लेते हैं हमेशा। कौआ क्या करता है? शोरगुल, रव माना शोरगुल, कौआ करता है शोरगुल, ज्ञान का शोरगुल बहुत करते हैं, लेकिन खाते क्या है? गंध खाते हैं। तो ये भीषण पितामह जो गंध खाने वाले हैं वो कौरवों का पक्ष लेते हैं, तुमने इनको ज्ञान बाण मारे, हैं? हाँ, तुमने इनको ज्ञान बाण मारे हैं, किनको? इन भीषण पितामहों को। अब पाप कहते हैं ज्ञान सुनते रहो और सुनाते रहो, क्या करो? ज्ञान सुनते रहो, किससे सुनते रहो? इन दुर्योधन दुशासन से नहीं, है एक सेवावा दूसरा न कोई, एक सेवावा से ज्ञान सुनोगे तो आप व्यभिचारी ज्ञान रहेगा, और अनेकों से ज्ञान सुना, इसकी भी बात मान ली, उसकी भी बात मान ली, उसकी भी बात मान ली, तो क्या होगा? तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और उस व्यभिचारी ज्ञान से फिर दुनिया नरक बनती रहेगी। तो ज्ञान सुनते रहो और सुनाते रहो, अब डरो मत। क्या रावणों ने उल्टा ज्ञान सुनाने वाले जो रावण संप्रदाय ने तुमको अपने कब्जे में कर रखा है, हे सीताओ तुम इनसे डरो मत। माने जगदम्बा इस समय दुर्योधन से क्या डरती भी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये रूप धारण कर दें, पता नहीं ये क्या कर देंगे, है? ये एडवांस में भी है ऐसे दुर्योधन दुशासन और रावण के रूप जिन्होंने सीताओं को कब्जे में कर रखा है, और जेठी नारी में भी बैठे हुए क्या रविंद्र भाई ने जब एडवांस कोर्स लिया कपिल से, तो सच्चा था वो, सीधा कुमार का दादी के पास पहुंचा मांगता वो एडवांस कोर्स लेने के बाद, और दादी से कहा ये ज्ञान तो दादी बिल्कुल सच्चा है, एडवांस नॉलेज का इतनी सच्ची बात होते हुए भी इतना विरोध क्यों हो रहा है आपकी तरफ से, ये तो बात ठीक नहीं है। तो कुमार का दादी मालूम क्या कहती है? जगदीश भाई की बात करो, जगदीश भाई को समझा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हाँ, उनके प्रभाव में प्रभावित हो चुकी है खूब अच्छी तरह, उनके बंधन में पुरुषों के भवन गुरुओं के बंधन में बच चुकी है। तो जो कुछ बेसिक नॉलेज में होता है वो सब कहाँ भी रिपीट होता है, एडवांस नॉलेज में भी रिपीट होता है। यहाँ भी ऐसे दुर्योधन दुशासन बहुत से हैं, क्या बहुत से ऐसे दुर्योधन दुशासन हैं जो राम की कुटिया में घुस करके सीता का हरण जिन्होंने कर लिया। तो बाबा कहते हैं इनसे डरो मत, क्या बाबा तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हुआ है, क्या तुम्हारा बाल भी बांका होने वाला नहीं है, बैंगन भी मुरली में बता दिया सत्य की नहीं है,
डोलेगी हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। क्या दुनिया में बात छोड़ दो, लेकिन ब्राह्मणों की संगत की दुनिया में खास करके एडवांस की दुनिया में ऐसे लोग समझे बैठे हैं। क्या समझे बैठे हैं कि जिसको जगदम्बा का पार्ट सौंपा हुआ है वो तो दिखाई नहीं पड़ता, लगता है डूब गई। क्या समझते हैं, लगता है वो पीपल की नवैया है विषय सागर में गोते खा गई, ऐसा समझते हैं। तो बाबा ने कहा डरो मत, बाप तुम्हारी घड़ी घड़ी रक्षा कर रहा है। अभी तुम्हारी ने भी क्या बोला, दिल्ली पर सबकी नजर है, क्या और किसकी नजर है, बाप की नजर। संत शक्तिमान बाप की नजर जिसके ऊपर होगी उसका बाल बांका हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो बोला डरो मत, पढ़ना है और पढ़ाना है, कुछ नहीं करना है तुमको, क्या निडर होकर के मैदान में आओ, क्या करना है हाँ निडर होकर मैदान में आओ, बाप की पढ़ाई पढ़ना है और दूसरों को धड़ल्ले दे। तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो, क्या तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो, किस बात के लिए, मास्टर नॉलेज को बनने का। मास्टर किसे कहा जाता है, मास्टर उसको कहा जाता है जो थ्योरी तो जानता ही है लेकिन थ्योरी जानने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कार्य करता है। क्या ये तो पवित्रता की पढ़ाई है ना, पवित्रता की पढ़ाई पुरुष तो पढ़ ही नहीं सकते, जब खुद नहीं पढ़ सकते दूसरों को पढ़ा नहीं सकते, बार बार फेल हो जाते हैं है? तो कहा कि तुम मास्टर नारी फुल हो, तुम क्यों ना मास्टर नारी फुल हो, तुम्हारा स्त्री चोला है, तुम प्रैक्टिकल में नॉलेज को धारण भी करती हो और दूसरों को करा भी सकती हो, इसलिए तुम मास्टर नारी फुल हो, सरस्वती को बड़ा वैल्यू देते। क्या कहा, बेंजो जो ये वाद्य यंत्र होता है गिटार गिटार, तो उसमें क्या विशेषता होती है, क्या दिखाई पड़ता है, उसमें बड़ा तंबूरा होता है, क्या तंबूरा बड़ा होता है लेकिन जो आवाज निकलती है वो नगाड़ी की आवाज निकलती है, नगाड़ी की आवाज नहीं निकलती है, आवाज का ही कैसी निकलती करके रह जाती है। तो बाबा कहते हैं इसका बुद्ध रूपी घड़े में ज्ञान तो सारा भरा हुआ है, क्या बुद्ध रूपी घड़ा तो बहुत बड़ा है लेकिन आवाज नहीं कर पा रही है। तो बोला सरस्वती को बड़ा बेंचो देते हैं, इसकी यादगार है, उनको जो वाद्य यंत्र देते हैं कौन सा देते हैं है? हाँ सितार गिटार जो देते हैं वो इस बात की यादगार है कि उसकी बुद्धि में नॉलेज तो बहुत भरी हुई है, इतनी नॉलेज भरी हुई है कि कोई भी बड़ी से बड़ी ब्रह्मा कुमारी पुरानी से पुरानी चाहे बेसिक नॉलेज की हो चाहे एडवांस नॉलेज की हो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इतना ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन आवाज दिखाई नहीं पड़ती तुमने तुमने थोड़ी सी आवाज दी, थोड़ी सी एक दो चार कैसे मिल रही है, उसके बाद कई साल से कहीं आवाज सुनाई भी नहीं पड़ रही। तो सरस्वती को इसकी यादगार बड़ा व्यंजो देते हैं क्योंकि वह सबसे तीखी है, क्या वो बुद्धि में जो ज्ञान भरा हुआ है उसके आधार पर उसमें तीखापन बहुत है, दुनिया तो नहीं जानती इन बातों को कि उसमें तीखापन इतना क्यों है, क्यों है तीखापन है, इतना तीखापन क्यों है, क्योंकि उसने जितना धारण किया है बुद्धि में ज्ञान उतना और किसी ने डायरेक्ट परमपिता परमात्मा के संपन्न संपर्क संपर्क संसर्ग में आकर के और किसी ने धारण नहीं किया है। तुम जानते हो हम अभी सांवरे से गोरे बनते, क्या कहा ज्ञान भी है मास्टर नॉलेज फुल भी तुम हो, और ये भी जानते हो कि हम अभी सांवरी हैं फिर सांवरे से क्या बनना है गोरा बनना है। काली का चित्र देखो कैसा बनाया,
जगदम्बा को तो गोरा दिखाते हैं और काली को काला दिखाते हैं। काली कौन से युग में होती होगी और जगदम्बा किस युग में होती होगी? कलयुग के काला रूप धारण करती है, काल रूप धारण करती है तो काला दिखाई जाता है। और फिर जब गोरी बन जाती है तो गोरा चेहरा दिखाया जाता है। सब कहाँ की यादगार ये चित्र की यादगार। काली का चित्र देखो कैसा भयानक बनाया भक्तों ने बनाया ना, तो भक्तों ने जो महसूस किया होगा वही तो चित्र बनाया होगा है कि महसूस कुछ दूसरा करेंगे और बनाएंगे कुछ दूसरा? नहीं, देखो कैसा चित्र बनाया। अब ऐसे है तो नहीं क्या? अभी स्थिति क्या है? अभी वो जगदम्बा इतनी भयंकर अभी अभी है तो नहीं। इसका मतलब भविष्य में जल्दी भविष्य में वो ऐसा पार्ट भयंकर पार्ट बजाने वाली है कि वो जो भगत है जो भगवान को नहीं पहचान पाते, न पहचान पाने के कारण उल्टा उल्टा रास्ता अपनाते हैं, उल्टी चलन चलते हैं, ऐसे भगत लोग जो है जो भगवान को नहीं पहचान पाते हैं और ही रावण का रूप धारण करते हैं, विरोध करते हैं, ऐसे उन्होंने समझ रखा है। क्या समझ रखा है? अभी कि जगदम्बा काली महाकाली का रूप धारण नहीं करेगी क्या? हाँ, तो बोला ऐसे तो है नहीं कि जगदम्बा इतनी महाकाली काली का रूप धारण करती हो, उनकी बुद्धि में अभी नहीं बैठा हुआ। तुम जानते हो हमारा भी सामने से गोरे बने हैं, बनते हैं, ये तो गोरियों की पूजा बैठ कर रहे हैं, जो चित्र बनाए हुए हैं देवियों के, वो सिर्फ पूजा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल उनके यथार्थ स्वरूप को जानते जानते नहीं है। पूजा करते हैं इसका मतलब है जरूर उन्होंने पूज्य रूप पदकथा का रूप धारण कभी किया है। अभी तुम काली पास जावेंगे क्या कर? पूछा किससे? पूछा उन भुजाओं, उन भुजाओं के जो जगदम्बा की भुजाएं हैं अथवा जो जगदम्बा है उसकी हो रही है राजभोजन बात। राजभोजन बात किससे हो रही है? डायरेक्ट जगदम्बा से बात हो रही है। तो पूछा कि अभी तो काली के पास जावेंगे, तुम जावेंगे काली के पास? रूप धारण करने वाली काली है उनके पास तुम जावेगी? जावेंगे? वो आपको मामा कहकर के इतना डरते हैं। कौन? जो महाकाली के कलकत्ते में ज्यादा पुजारी होते हैं, महाकाली के मंदिर कहाँ है? काली का प्रसिद्ध मंदिर तो वहाँ है। तो कहा कि अगर वो तुमको बुलाने आ गए तो तुम वहाँ जावेगे महाकाली के? वह तो मामा कहकर के इतना रड़ते हैं, रड़िया मारते हैं, जो बात मत पूछो, होता तो कुछ नहीं है यार। महाकाली के सामने जो इतनी रवियां मारते हैं उससे कुछ होता नहीं है। काली की महिमा बहुत है तो जरूर कुछ महिमा वाद काम किया तो होगा। काली अम्मा कहते हैं, कहते क्या है? काली अम्मा, गोरी अम्मा नहीं कहते, क्या कहते हैं? काली अम्मा कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। क्या अर्थ उसका क्या हुआ? कहते हैं ये तो तुम्हारी अम्मा है। बाबा मुरली में क्या कहते हैं? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? तुम तो जैसे हो तैसे हो लेकिन तुम्हारा भी बाप आया हुआ। ऐसे ही कन्या माता में क्या कहा जाता है? ये तुम्हारी अम्मा है। माने तुम जितनी पावरफुल नहीं हो किसी में अच्छे में या बुरे में, लेकिन ये तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो कहा अम्मा अम्मा काली अम्मा कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं, ये हमारी भी अम्मा है। कलकत्ते में संगम भी है, किसका किसका संगम है? नहीं, पहला संगम होता है ब्रह्मपुत्री और गंगा। किसका संगम होता है? ब्रह्मपुत्री नदी का और गंगा का संगम। तो गंगा के बारे में क्या बोला? अंत में निकली है ज्ञान गंगा। क्या बेसिक नॉलेज में भी पहले निकलती है काली, यदि के आगे में कोई बंगनिया निकली थी है
बाद में निकलती है सरस्वती और अंत में निकलती है गंगा जी। यूपी में जो बैठी हुई है में तो बेसिक नॉलेज की बात होगी, ऐसे ही एडवांस नॉलेज में सन 76 में पहले पहले क्या निकलती है काला रूप धारण करने वाली, फिर मध्य में कौन निकलती है सरस्वती जगदम्बा ज्ञान की बहन जो धारण करने वाली है, और फिर अंत में क्या निकलेंगी गंगा है जो अब निकलने वाली है। यूपी को क्या दिखाना है, कौन सा खेल दिखाना है, धर्म युद्ध। हाँ, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। तो यूपी में कौन सी नदी प्रसिद्ध है, गंगा नदी प्रसिद्ध। जब वो गंगा नदी निकलेगी मैदान में तो धर्म युद्ध फिर देखने में आएगा। तो बोला तो बोलते हैं कलकत्ते में संगम भी है, ब्रह्मपुत्री नदी और गंगा का संगम भी है, ब्रह्मपुत्री है। अब यह तो महल क्या रहा, कौन मानेंगे जो ब्रह्मपुत्री नदी है उसके लिए क्या कहते हैं, ये तो मानेंगे वो तो पुत्री हुई ना, नदी है जो ऊपर ऊपर पहाड़ों पर ऊंची स्टेज में बहती हुई चली आ रही है और लास्ट में आकर के आसाम से सागर में गिर जाती है गंगा से मिलकर के, तो वो पुत्री है या अंबा है, वो तो पुत्री है लेकिन समझते क्या है, भक्तों की बुद्धि में ये बैठा हुआ है। अब यह तो वहां है नहीं, कौन ब्रह्मपुत्री माँ नहीं है ये, मान ये क्या है, अगर माँ नहीं है तो क्या है, क्या है पुत्री है, किसकी पुत्री है, अम्मा की पुत्री होगी ना, है पुत्री किससे पैदा होती है, अम्मा से पैदा होती है, अम्मा बाप से पैदा होती है। तो वो तो ब्रह्मपुत्री जो नदी है ऊंची स्टेज में बह रही है और आकर के लास्ट में गंगा से मिल जाती है, और गंगा से मिलकर के फिर कहाँ मिलती है, सागर में मिलती है। तो ये तो तुम्हारी बच्ची है, तुम अम्बा हो और वो तुम्हारी बच्ची है, ये तो माँ है नहीं, कौन नहीं है माँ, ये ब्रह्मपुत्री नदी माँ नहीं है, इसलिए कलश फिर माताओं को मिला है। माता को ज्यादा दमदार काम दिया जाता है घर परिवार में, के जो माता की बच्चियां पैदा होती हैं उनको ज्यादा दमदार ज्यादा जिम्मेवारी किसके ऊपर संभाली रखा जाता है, माता को। तो ज्ञान का कलश तुम्हारे ऊपर रखा गया है, वो बच्ची के ऊपर ज्ञान का कलश, माने लक्ष्मी को बाबा ने ज्ञान का कलश नहीं दिया, अगर लक्ष्मी को दे दे तो वो भी पहले एडवांस नॉलेज में आकर के रुद्रमाला का मणका बन जाए, फिर तो वो भी राजा बन जाएगी, क्या उसका राजा बनने का पार्ट नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर की रानी बनने वाली शक्ति है, हैं? जो रानी बनने वाली है उसमें इतनी शक्ति नहीं होती, तुम्हारे में उससे ज्यादा शक्ति है, तुम माता हो इसलिए तुम्हारे ऊपर ज्ञान का कलश रखा। पूर्व जन्म की हिस्ट्री कौन जानता है, शिव बाबा जानता है ना, तू जानता है कौन सी आत्मा किस काबिल है, तो बोला कि ब्रह्मपुत्री जो है वो माता नहीं है, माता तो तुम हो, बाबा के सामने कौन है जगदम्बा, वो तो बच्ची है, इसलिए कलश फिर माताओं को मिला है, कलश किसको मिला है, बच्चियों को नहीं कहा, कन्याओं ने कहा कि बच्चियों को कन्याओं को दिया है कलश, किसको दिया है माताओं को दिया है, माताओं को मिला, तुम हो माँ की सेना, तुम सब माता की सेना हो, हम जिनसो हो, क्या ऐसे नहीं कि तुम पुरुषों को धिक्कारती हो, ये तो बाबा को अधिकार है, क्या है ये दुर्योधन है, बाबा कह सकता है लेकिन तुम किसी को धिक्कार नहीं सकती कि तुम दुर्योधन दुशासन हो, तुम्हारा काम नहीं है। ओम जा रहे हैं उनका।
इसीलिए आना पड़ता है। यही बच्चे आते हैं ना, तो उनको बाबा बड़ी उमंग उत्साह से, भले एक ही आ जाए तो बाबा उनके सामने बड़ी उमंग उत्साह से चलाते गए। पुराणों के सामने बाबा वो अपना उमंग उत्साह, पुराणों का बोझा बढ़ जाता है, पुराने थोड़ा बोझा बढ़ जाता है, इसलिए जाता है जितनी बातें बाबा बोलते हैं वो फालू तो करते नहीं, और श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, उन्होंने बोझा चढ़ जाता है। नहीं नहीं सत्य जो है वो तत्व प्रधान है, सात्विक है, वो बात मान सकते हैं, फालू कर सकते हैं। लास्ट में आए हैं तो बाबा कहते हैं लास्ट में आने वाले भी हार से जा सकते हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो बूढ़ी बाड़ी है, मुझे नहीं क्या हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल माता पावर बोले, इसीलिए तो बाबा गया था। हाँ कहाँ उम्र सारी। अरे मम्मा बाबा जो आया, हाँ बाबा जब गया था, हाँ कौन से धन तो कौन से समझ में आ, ये बात है बेहतर टेस्ट करते हैं तो माता भी उसी समय आई, बेहतर करते हैं बेहतर टेस्ट की बात है। और विपिन भाई की माँ बाप को समझाने के लिए, हाँ बाबा उसी टाइम गीता पर तलब खुली थी तो उन लोग को समझ दिया, तो उस समय जरूर कोई आत्मा ऐसी निकली होगी उस गीता पाठशाला में, बाबा गया था उनके लिए, लेकिन वो तो नापोज करते पहले पहले शुरू में अपोज किया था, विपिन भाई को तो थप्पड़ ही मार दिया था माता को मारते हैं, फिर बाद में दोनों चलने लग पड़ गए। मरी बात जो है थोड़ी पावर माताओं की आएंगे तो माताएं होंगी ना, पुरुष दुर्योधन दुशासन बोला गया ना, तो भोगी है इसकी वजह से ना, कभी भोगी हो जाते हैं, भोगी तो हो जाते हैं, इसके लिए बोलते हैं ना जो दुष्ट युद्ध करे। अच्छा सुख लेने के लिए विकार का भी सुख होता है ना, तो सुख लेने के लिए दुष्ट युद्ध करे, वो नहीं चाहती है विकार में करना। अब जबरदस्ती हाथ पाँव पकड़ करते हैं तो वो होगा दुष्ट युद्ध, दुष्टासन गा गया, दुष्ट शासन चलाए, दुष्ट शासन चलाए, बाबा की जरूरत के अलावा दूसरी दूसरी बातें सुना चाहते अपने मन में, शासन अपने मन में चलाए। चंचल बहन माता थी, वो पहले चले शुक्रवार में बड़ी जोर से चली, फिर दूसरे पार्टी में चली, तो बाबा ने कहा अच्छा एक चंचल माता चली गई, हम दूसरी माता तैयार कर, अभी अचल रहना क्या अचल, हाँ माया भी जिन्होंने आपने कहा आपका नाम रख दिया चंचल, लेकिन बाबा ने आपका नाम क्या रख दिया अचल, अचल जैसे बाबा भी एक निकली थी चंचल और चंडीगढ़ क्या थी ना, उनका नाम चंचल है, फिर बाबा ने उनका नाम रख दिया अचल, अचल बाबा ने तुम्हारा नाम अचल रख दिया। हाँ ठीक,